राहुल शर्मा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक ऐसे अध्यक्ष बनकर रह गए हैं जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दे हाथों में लाकर सौंप रहे हैं। विरासत टैक्स के बाद सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है क्या ये सब अफ्रीका के हैं? चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई सहन नहीं करेगा। बस इसी पूरे मुद्दे पर राजनीति को रंगभेद की राजनीति से जोड़ दिया गया है और कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस इस बयान से अपने हाथ खींचती नजर आ रही है। खैर, इस बयान से जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा है कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज, साउथ वाले अफ्रीकन, वेस्ट वाले अरबी और नॉर्थ वाले व्हाइट जैसे दिखते हैं। बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये गलत है। वहीं जब ये बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने गुस्से में कहा कि शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश को चमड़ी के आधार पर अपमानित कर रहे हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place, everybody compromises a little bit. ये सहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। जैसे इस वीडियो में सुना जा सकता है कि सैम पित्रोदा ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहने हैं। बस इस बयान के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर हो रही है, लेकिन कांग्रेस खुद को इस बयान से हाथ खींचती नजर आ रही है। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरी जिंदगी रंगभेद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ
उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। सैम पित्रोदा के भारतीयों के रंगरूप से जुड़े बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था और ठीक इसी प्रकार कांग्रेस तब भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करती नजर आई थी। अब देखना ये होगा कि विरासत टैक्स के बाद रंग भेद वाली राजनीति कितनी गर्माती है और इसका असर कितना जनता और चुनाव पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी जिसमें सैम पित्रोदा के बयान को लेकर किस तरह से घमासान मच गया है। अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बन चुके हैं, ऋषि मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत में डॉक्टर पूजा आपके साथ करना चाहूंगी, ये बयान जो सैम पित्रोदा ने दिया है इस पर कांग्रेस ने भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, जयराम रमेश भले ही कह दें कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसे बयानों की जगह क्यों है और खासकर भारत जैसे देश में इन बयानों के लिए क्या आप कहेंगे? चारू जी, मैं जयराम जी की बात को ही कोट करना चाहूंगी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार है। ये देश की खूबसूरत विविधता को बांटने की कोशिश है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं बिलीव करती है। ये बात याद रखना चाहिए कि सैम पित्रोदा जी ना हमारे कांग्रेस मैनिफेस्टो के हैं, ना वो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं जिनकी बात को ऑफिशियल कम्युनिकेशन कांग्रेस लाइन का बात मानी जाए, ना वो हमारे स्टार कैंपेन हैं। तो उनकी बात बिल्कुल किनारा करने की बात को हम नकारते हैं। रखना चाहूंगी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें डाइवर्सिटी कमीशन की आयोग की गई है, जिसमें हम देश की विविधता को सेलिब्रेट कर बात करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो ये बात करता है कि लोगों को उनका उनके पहनने की आजादी। पूजा जी, सिर्फ मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों की ही बात को क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाए? कांग्रेस का और कोई नेता और कोई प्रवक्ता अगर कुछ कहे तो उसे ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए? मैनिफेस्टो कमेटी को मत लीजिए आप, जनता से लीजिए, वो बड़े जनता से चार्ज कम्युनिकेशन ऑफिशियल। और सैम पित्रोदा को लीजिए, वो कम्युनिकेशन क्या उससे लीजिए, बीजेपी के जो हमारे मेहमान हैं उनके पास आना चाहूंगी। विजय शर्मा जी, क्या कहेंगे सैम पित्रोदा के इस बयान पर? इस कथन के बाद जो इनके ओवरसीज के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने इतनी शर्मनाक बात की है और मेरे भारतवर्ष के लोगों का इतना अपमान किया है कि इसकी जितनी कड़े निंदा की जाए उतनी कम है। और ये सैम पित्रोदा जी की आवाज़ नहीं है, ये राहुल गांधी जी की सोच है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखिए, इससे पहले आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते थे, कौन देते थे, दिग्विजय सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे और इनके बड़े बहुत बड़े नेता थे, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते थे और फिर बाद में कांग्रेस जो है उससे पल्ला झाड़ लेती थी, क्योंकि इनका जो मकसद है वो मैसेज पहुंचाना है। अब इन्होंने मैसेज पहुंचा दिया देश के अंदर कि इनकी क्या सोच है, उसके बाद में कह दिया उनकी निजी सोच है। इन्होंने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, आप मुझे बताइए। वो कहते हैं
विरासत टैक्स लगाइए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल गांधी सैम पित्रोदा के साथ बैठ के कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो एक बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, वो वहां जाके यूनिवर्सिटियों में बुलाते हैं राहुल गांधी जी को, इनके पिताजी के दोस्त हैं वो, इनकी माताजी के दोस्त हैं वो, इनके मेंटर हैं वो, तो उस आदमी से पल्ला झाड़ सकते हैं। ये सोच जो है जो राहुल गांधी जी की सोच है उसको वो दर्शाते हैं, जो ये चाहते हैं बोलना वो बोलते हैं, और देश को जिस तरह से अपमानित। अब आप देखिए, एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो श्रमिकों के पैर धोते हैं, कुंभ में आपने देखा होगा उनके बुजुर्गों के कैसे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और ये क्या कहते हैं कि मेरे पूर्वोत्तर के भाइयों का मजाक उड़ाते हैं कि चाइनीज लगते हैं, मेरे दक्षिण वालों के मजाक उड़ाते हैं कि ये अफ्रीकन लगते हैं, उत्तर वालों को अरबी भाषा, किस तरह की मतलब शर्मनाक, इससे बड़ी बात ठीक है, मैं समझ गई। ऋषि मिश्रा जी, ये देखिए चुनावी दौर तो अलग चीज है, लेकिन वक्त कोई भी हो, ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है, ना राजनीति में ना ही दिनचर्या में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको इस प्रकार का चिंतन खासकर आईडी ऑफ इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए शब्दावली और उन्होंने किया है दर्शाने के लिए सही नहीं है, और नुकसान कांग्रेस को होगा। और मैं मानता हूं कि ऐसा लूज बॉल आप देंगे तो उस लूज बॉल पे छग्गा लगना, सिक्सर लगना लाजमी है, और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही इस प्रकार का बयान आया तुरंत नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया, और इस प्रकार के बयानों का निंदा भी करनी चाहिए कांग्रेस ने ऐसे बयानों से। हालांकि अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, लेकिन आप ऐसे बयान देंगे बार बार, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, हालांकि जो इससे पहले बयान दिया था उसको लेकर यदि मैं कहूं, क्योंकि दर्शकों को ज्ञानवर्धन भी कराना चाहिए कि जो टैक्स की बात हो रही थी, ये टैक्स की बात का पैरवी बीजेपी खुद कर चुकी है, वित्त राज्य मंत्री रहते हुए जयंत सिन्हा साहब जो हैं, यशवंत सिन्हा साहब के जो पुत्र हैं, वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने इस टैक्स की चर्चा की थी कि ऐसा हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, अरे ऐसे बयान आप देते रहेंगे तो राजनीतिक रूप से नुकसान आपको होगा। जी संजय राणा जी, है वो एक अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी और अंग्रेजों द्वारा आज के दिन में चलाई हुई पार्टी है, जो सत्यनारायण गंगा राम से सैम बन गया, उसकी मानसिकता दिवाली, उस मानसिकता के दिवालियापन से आप सोच सकते कितना हो चुका है। देखिए ऐसा है कि आप अपने देशवासियों को, देश की संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे विविधता में एकता है, लेकिन आप जा करके विदेशों में बैठ करके बोल देते हो कि भाई साउथ इंडिया के लोग काले हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग वाइट हैं, और ईस्ट इंडिया के लोग चाइनीज दिखते हैं। अरे भाई, इनकी मानसिकता कैसे बदल सकती है चारुल? ये देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी जैसे मैंने बोला, और अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही है, तो जिस तरह की मानसिकता उसी तरह की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारी मित्र बोल रही थी कि वो तो कुछ नहीं है, भैया ओवरसीज के वो प्रेसिडेंट हैं, आप एक मामूली नेता नहीं है, वो ओवरसीज का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पदभार होता है किसी भी पार्टी के लिए, उनकी विचारधारा इस देश की पार्टी की विचारधारा होती है, किस तरह से वो प्रचार करते हैं वो देखना होता है, लेकिन इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को का कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस पार्टी की सोच क्या है। जिस पार्टी का नेतृत्व तो करने वाला ये बोलता है कि इस देश में सर्वे कराएंगे और उसमें जो भी जमीन जायदाद होगी उसको बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति की सोच ये है तो उसके नेताओं की सोच क्या होगी? आज के दिन में बोलने की ये उनका पर्सनल बयान है, कैसे पर्सनल बयान हो सकता है? कोई आम नेता है? कोई आम नेता तो है नहीं, बहुत बड़े नाम है वो सैम पित्रोदा का। अगर आपको लगता है कि सैम आम है, सत्यनारायण गंगाराम आम नेता है, तो उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया जाता? पार्टी से निकालने की किसी की हिम्मत है? लेकिन समस्या ये क्या है कि इस देश को तोड़ने की राजनीति इस पार्टी ने समय समय पर करती रही है, चाहे वो किसी तरह से एक्ट बनाना हो, चाहे हिंदुओं को जात पात में बांटना हो, चाहे रिजर्वेशन की बात करनी हो, चाहे इस तरह के बयानबाजी हो, तो पूरा आप समीकरण उठा के देख लीजिए, कांग्रेस कभी भी देश में एकता और अखंडता की बात नहीं करती है, हमेशा विघटन की बात करती है, तोड़फोड़ की बात करती है, और इनका सोच और विचार
उनका कार्य, ये सब दिखाता है कि ये किस राह पे जाना चाहते हैं और किस राह पे देश को ले जाना चाहते हैं। आज सभी कांग्रेसी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, उनको शर्म भी आनी चाहिए। क्या साउथ इंडिया के आदमी क्या अफ्रीकन लगता है? हो सकता है किसी का रंग किसी का काला, मेरा रंग भी काला हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफ्रीकन हूँ। मैं पूर्ण तरह से भारतीय हूँ और हर भारतीय को अपने भारतीयता होने पर गर्व है। ये बताइए, महाराष्ट्र के आदमी को ये बोल देते हैं ये अरबियन है, क्या वो अरब से सऊदी अरब से भाग के आए थे? किस तरह से भारतीयों का अपमान कर रहे हैं और इस अपमान के लिए माफी नहीं मांग रहे और बेचारे के साथ यहां बैठे हैं। ये जो बयान है, भले ही कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ ले, लेकिन भारतीयता, भारत में विविधता, सांवली सलोनी सूरत, क्या कुछ नहीं कहा जाता है? और ऐसे में अगर आपके नेता ये बयान देते हैं और आप उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप सच में इस बयान से किनारा कर रही है कांग्रेस, तो कोई एक्शन सैम पित्रोदा पर भी होना चाहिए, या फिर सैम पित्रोदा पर एक्शन लेने की हिम्मत कांग्रेस में किसी पर नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर दबी जुबान में समर्थन कहा जाएगा? आप जुबान से भले ही कुछ भी कह लें, चारुल जी, सैम पर तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन जहां तक की पार्टी से बाहर फेंक देने की बात हो रही है, ये लोगों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को प्रत्याशी बना दिया था, उस आदमी जिस पर महिला पहलवानों पर हाथ रखने के गंभीर आरोप है, उससे अच्छा ब्रिजभूषण को कर दिए। आप में हिम्मत नहीं थी कि आपने 3 महीने तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर निकाला था? ये बात करते हैं हिम्मत की, इनमें हिम्मत नहीं है कि जब दिसंबर 2003 में आपके प्रज्वल रेवन्ना के 2986 वीडियोस की बात पता चल गई थी, तब भी आप फरवरी में उससे अलायंस करते हैं और अप्रैल में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए कैंपेन कहते हैं आप उसको वोट देंगे तो मुझे शक्ति देगी। यहाँ हिम्मत की बात कर रही हूँ। आज अमित शाह जी लखीमपुर खीरी में ये भाषण देते हुए कहते हैं, जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा था और 6 किसानों की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा था आप इनको वोट देकर जिताइए। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। मैंने आपसे पूछा कि सैम पित्रोदा पर एक्शन क्यों नहीं, आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया गया। आपने सवाल किया महिलाओं के बारे में, महिला पहलवानों के बारे में, ठीक है अगर वो कैंडिडेट है तो जनता जवाब दे देगी, तो क्या इसकी एवज में, इसकी आड़ में कांग्रेस के नेताओं को भारत की विविधता पर सवाल उठाने की इजाजत दे दी जाइए? क्या कांग्रेस के नेताओं को ये इजाजत दे देनी चाहिए कि अगर बीजेपी का कोई नेता अपमान करता है तो बदले में आप उससे बढ़कर अपमान करें, एक साथ करोड़ों भारतीयों का अपमान करें? आप ये कहना चाहते हैं? आपके सामने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारी डिबेट में हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। और सबसे बड़ी तो अधिकार जो होता है वो जनता के पास है, अगर कैंडिडेट को दिया गया है तो जनता जवाब दे देगी। आप ये बताइए, सैम पित्रोदा पर एक्शन लेगी क्या कांग्रेस? सैम पित्रोदा पर एक्शन लेने की हिम्मत कांग्रेस में है कि नहीं? कब लेगी, कब एक्शन होगा? बयान की निंदा कर देना काफी है क्या? एक्शन लेगी, इनकी नौकरी चली जाएगी शाम तक। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ब्रिजभूषण की निंदा नहीं की। पूजा शाम तक प्रवक्ता से सिर्फ वक्ता रह जाएंगी, अगर सैम के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे तो प्रवक्ता से वक्ता। चारों ने आऊंगी आपके पास, विजय जी आऊंगी आपके पास, डॉक्टर पूजा आप भले ये कह दें कि मैनिफेस्टो कमेटी के नहीं है मेंबर सैम पित्रोदा, इसलिए उनके बयान को तवज्जो ना दी जाए, आप मेरी डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर आई हैं, क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा सैम पित्रोदा पर एक्शन होने में, क्योंकि आपने कहा कि एक्शन हो जाएगा? पहले मुझे भाजपा ही आश्वासन दे कि उन्होंने, मैं भाजपाइयों से सवाल कर लूंगी, आप मुझे आश्वासन दें और मेरी जनता जो इस डिबेट को देख रही है, एक्शन लेने का सवाल क्या आपने कहा एक्शन हो जाएगा? आप यहाँ पर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने कहा एक्शन हो जाएगा, क्या 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे 1 हफ्ता 1 महीना कितना वक्त लगेगा? मैं लूंगी ना जवाब, आप मेरे को सवाल मत बताइए कि मुझे क्या सवाल करने हैं, मैंने आपसे जो सवाल किया आप उस पर जवाब दे दीजिए, मुझे जो सवाल करने हैं मैं पूछ लूंगी। पार्टी को अपना वक्त दीजिए, पार्टी ने सबसे पहले, मुझे एक बार बताइए चारुल जी, क्या पार्टी ने उनके बयानों से किनारा किया कि नहीं? क्या पार्टी ने पब्लिक फोरम में आकर उस चीज पे आ जाऊंगी फिर? अगर बीजेपी गलत कर रही है तो कांग्रेस को भी अधिकार दे दिया जाए, आप ये कहना चाह रही है? फिर क्यों नहीं, उसके गुनाह कम और मेरे गुनाह ज्यादा वाली चीज पे मत आइए, कि उनके गुनाह अगर इतने हैं तो हम उनसे ज्यादा करेंगे, कंपटीशन नहीं है ये कोई। मैं कंपटीशन कर ही नहीं रही हूं, जवाब नहीं है आपके पास, आपकी दबी जुबान ये बता रही है कि सैम पित्रोदा पर कोई एक्शन नहीं होगा। पूजा जी, सैम पित्रोदा पर कोई एक्शन नहीं होगा ये आप मान लीजिए, नहीं होगा कोई एक्शन। विजय शर्मा जी,
आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपना जवाब पूरा करें फिर सवाल आपसे होगा। पूजा जी से मैं दो तीन चीजें पूछना चाह रहा था कि आप देखिए राजीव गांधी जी के वो सलाहकार थे, मनमोहन सिंह जी के सलाहकार थे, अभी राहुल गांधी के वो हैं, तो आप मुझे बताइए सैकड़ों बयान आपको दिग्विजय सिंह के मिलेंगे, क्या कभी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? क्योंकि ये राहुल गांधी का बयान समझा जाए, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये देश को शर्मसारा करने वाला बयान है। आप निंदा कीजिए बैठ के और उनको निष्कासित कीजिए कांग्रेस से, कि आज अभी यही वचन दीजिए देश के सामने, जो देश की प्रजा है, देश की जनता है, जो हमारी मालिक है, उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि हम शर्मसार हैं, हमने गलत आदमी को पार्टी में ले रखा था, आपने विदेश में बैठ के, विदेश की धरती पर बैठ के देश को शर्मसार करने का काम किया है, आपने घिनौनी हरकत की है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता ही यही है, देश को आपस में लड़ाओ, धर्म के आधार पर लड़ाओ, जातिवाद के आधार पर लड़ाओ, तरह तरह से देश को तोड़ने का काम करो। क्यों? क्योंकि आपका जो पूर्वज हैं, जो आपका शुरुआत है कांग्रेस पार्टी का, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, तो आपकी मानसिकता अभी भी वही चली आ रही है, आपका वही नेतृत्व है, वही दिमाग में है, वही सारी चीजें आप करते हैं। चलिए ठीक है विजय जी, लौटेंगे आपके पास, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना होगा, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बात हो रही है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जिस पर घमासान मच गया है, ये बयान जिस पे कांग्रेस बैकफुट पर तो आ चुकी है लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और अब इस पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं इस बयान के सामने आने के बाद। चलिए चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ऋषि मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, ये जो बयान है इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि खासकर जब हम चुनाव में देखते हैं तो नेताओं की जुबान तो फिसल जाती है, लेकिन जुबान फिसलना अलग है और इस तरह करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना अलग। ऋषि जी चलिए अभी हमारे साथ बने हुए नहीं हैं, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं, मैं आपके पास आती हूँ विजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। आप अभी कह रहे थे कि विदेश की धरती पर अपमान किया गया है भारतीयों का, आपने नस्लवाद की टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा को घेरा, लेकिन क्या तरुण विजय पर आप कुछ कहेंगे? वो भी एक विदेशी जमीन पर ही दिया गया इंटरव्यू था जिसमें भारतीयों को और खासकर दक्षिण भारतीयों को लेकर बयान दिया गया था। सतीश पुनिया का बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि बजट ऐसा है जैसे काली दुल्हन का मेकअप कर दिया गया हो, क्या ये नस्लवाद नहीं है? क्या यहाँ काले गोरे का भेद नजर नहीं आता आपको? देखिए आपको फर्क करना होगा, आप सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा जो है एक किस्म से मालिक हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के युवराज के सलाहकार हैं, तो आप एक आम कार्यकर्ता की, आम नेता की बात नहीं कर सकते, अपवाद कहीं भी हो सकता है। तरुण विजय इतने आम है जी, मेरी बात सुनिए, बयान तो चाहे आपका छोटा से छोटा कार्यकर्ता दे, लेकिन अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है और वो पार्टी का नेता है, चाहे वो सर्वोच्च पद पर बैठा हो, वो जुड़ा आपकी पार्टी से ही है, ऐसे बयानों को आप ये कह के किनारा ना कर लें कि जी वो तो बड़े लेवल पर बैठे और हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता है, या उस कार्यकर्ता का ओहदा क्या है? देखिए जहां भी कोई भी गलत बात होती है, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के बारे में क्या बोला था, टीवी के ऊपर बोला था, संसद के अंदर बोला था, मैं पूरी जिंदगी इनको माफ नहीं करूंगा, आपने देखा होगा उनकी टिकट कट गई। तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आप बात कीजिए कि सैम पित्रोदा बड़े अच्छे से और पूरे देश के लोगों के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों को कैसे बांट दिया उन्होंने, अफ्रीकन, चाइनीज, अरबी, गोरे, और वो आदमी जो आदमी कांग्रेस को चलाता हो, जो थिंक टैंक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मैं एक बार इस पर ऋषि जी का रिएक्शन ले लूं, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था, उस दौरान हमारे साथ नहीं थे। ऋषि जी, ऐसे बयानों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सबसे अहम चीज है ऐसे बयानों से किनारा भले ही कर लिया जाए लेकिन बची तो कोई भी पार्टी नहीं है। अभी मैंने सतीश पुनिया जी का बयान भी गिनवाया, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहकर कर दिया कि नहीं जी सैम पित्रोदा ज्यादा बड़े अहदे पर है, लेकिन करते तो दोनों ही पार्टियां, दोनों ही क्या बल्कि कोई भी राजनीतिक पार्टी। देखिए पारुल जी, सतीश पुनिया तो हालांकि परंपरागत नेता रहे हैं, लेकिन यदि सैम पित्रोदा और कंगना रनावत जैसे लोगों की बात करें, इनकी राजनीति में एंट्री बिना
क्या कहते हैं कि अनुभव के आधार पे ऐसे नेताओं को इनकी मिल जाती है। सैम पित्रोदा एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, कंगना रनौत एक अभिनेत्री रही हैं, तो इस प्रकार का बयान आपको देखने को आगे भी मिलते रहेंगे जिनका राजनीतिक अनुभव नहीं रहा। सवाल उठता है कि सैम पित्रोदा ही एक यदि भारतीय राजनीति में ऐसे नेता है जो जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। यदि आपने फारूक जी देखा होगा किसान आंदोलन के समय बीजेपी की तरफ से किसानों को आतंकी तक कहा गया, क्या किसी नेता ने या किसी संवैधानिक पद पे बैठे लोगों ने माफी मांगा क्या? मणिपुर में माँ बहनों के वदन मतलब शरीर से कपड़े नोच तक दिए गए, कपड़े फार तक दिए गए, नंगे घुमाए गए, बलात्कार तक हुए, किसी ने एक शब्द कहा क्या? तो ऐसे ऐसे बयान चाहे कांग्रेस के तरफ से आते हो या बीजेपी के तरफ से आते हो, मेरी जो बहन बैठी है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है लाख डिफेंड कर ले, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं सुसाइडल बयान है और खासकर चुनावी माहौल में ऐसे बयान देंगे इसका नुकसान होगा। लेकिन दो तीन सवाल बीजेपी प्रवक्ता से भी है मेरा कि गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार में कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो अधिक बच्चा पैदा करता है अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं जो अधिक बच्चा पैदा करता है उसके घर पे वोट मांगने नहीं जाना। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं अरे 30-40 करोड़ मुसलमान है इस देश का, उसको आप कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, अधिक बच्चा पैदा करते हैं। मैंने नहीं, चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया है जेपी नड्डा को। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे यदि चुनाव हो तो देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए सही होगा। फारूक जी, संजय राणा जी, मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं छोटा सा। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार संजय जी का रिएक्शन ले लूं। यहाँ सैम पित्रोदा का बयान आप देख लीजिए जिसमें वो चाइनीज बता देते हैं, नस्लवाद की बात कर लेते हैं, काले गोरे का भेद बता देते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के भले देखिए बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो कह दें कि नहीं सैम पित्रोदा का बड़ा ओहदा है, लेकिन यहाँ पर हम पूर्व राज्यसभा सांसद की बात कर रहे हैं तरुण विजय, सतीश पुनिया, ये छोटे पद पर नहीं रहे हैं। जब वो इस तरह के बयान देते हैं नस्ल भेद पर, ऐसे में इन बयानों की कितनी जगह है राजनीति में? क्योंकि ये कैसे बयान होते हैं, नेता तो कहकर हट जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। चारुल देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है और एक आदमी को आप बेरोजगार ना करें। आज आप बार बार हमारी बहन पूजा जी से बोल रही हैं कि इनको बोलिए कि बाहर चले जाए, इनको पार्टी से निकाल दीजिए। अगर आप पार्टी से अगर पूजा जी ने गलती से बोल भी दिया तो आज जो प्रवक्ता है शाम को वक्ता भी नहीं रह जाएंगे उसके बाद। लेकिन मैं आता हूं आपके मुख्य प्रश्न लिया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है हमारी जनता को। अगर वो ये बोल दी है तो मैं बोल रहा हूँ प्रवक्ता है, उसके बाद वक्ता भी नहीं रहेंगी। सैम जी को उनके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत प्रवक्ताओं में नहीं है। ये अगर बोल दी तो बड़ी सम्माननीय बात है, शाम को वक्ता भी नहीं रहेंगी। आते हैं मुख्य प्रश्न में। देखिए, ऐसा है कि एक होता मुहावरा, एक होता है तंज। मुहावरे और तंज और जो इस तरह की बयान होते हैं उसमें अंतर होता है। मुहावरा बहुत सारे होते हैं, मुहावरे का अर्थ अलग होता है और मुहावरे बोले जाते हैं, लेकिन इस तरह का बयान दिया जाता है कि भारत में जो साउथ इंडियन है उनको अफ्रीकन है, वो ऐसा कोई मुहावरा सुना आपने कभी? लेकिन जैसे तरुण विजय की बात कर रहे हैं, वो मुहावरे के तंज पे तंज कसा गया है। तंज कसना और इस तरह के बयान में अंतर होता है। बार बार इन लोग बोल रहे हैं कि भैया जेडीएस के जो नेता है उनको रेपिस्ट को भगा दिया गया है। ये बताइए 23 तारीख को, मैं बता रहा हूँ एफआईआर दर्ज हुई थी 23, 24, 25, 26, 27 तारीख को, क्या सरकार वहां की सो रही थी? शासन आपका, सरकार आपकी, ताकत आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका और कानून आपका, फिर भी वो कैसे भाग गया? आप बात कर रही है कि 8 तारीख को, 8 दिसंबर को किसी नेता ने प्रदेश अध्यक्ष को एक लेटर दे दिया था। भाई प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का न डीजीपी है न मुख्यमंत्री है। न डीजीपी मुख्यमंत्री का काम होता है शासन को चलाना, प्रशासन को चलाना। प्रशासन आपका था तो भाग कैसे गया, प्रश्न तो आपको उठना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग क्या सीडी और पेन ड्राइव बांट रहे थे? वो बांट क्यों रहे थे? आपको कहीं ऐसे लगता है उसको कार्रवाई करते, एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं होती है? एक दरोगा के पास इतनी ताकत होती है कि ऐसे व्यक्ति को उठा के बंद कर सकता है? ये देखिए, ऐसा है कि एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना कि नहीं नहीं इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, पार्टी का मतलब क्यों नहीं है? वो आम आदमी है, वो पूरे वर्ल्ड का, भारत को माइनस कर दीजिए, उसका अध्यक्ष है। इस व्यक्ति के अगर विचार ऐसे होंगे तो भारत की इमेज विदेशों में क्या होगी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दूसरे दुनिया के दूसरे देश हो, उनके अपने भारत की इमेज क्या लेके जाते हैं? इसी में बार बार बोलते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी में अंग्रेज ही आज शासन कर रहे हैं। आज भी लोग
अंग्रेजों के गुलाम हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। सैम अपना नाम सैम क्यों रखे हैं? सत्यनारायण गंगाराम में क्या कोई समस्या है? लेकिन वो अपना नाम बदल सकते हैं तो देश बदलने में इनको कितना समय लगेगा, ये सोचने का विषय है। और हर भारतीयों को वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जो देशभक्त पार्टी है या देश के लिए सोचती है, या ऐसे व्यक्ति जो देश के विभाजन के लिए बारे में सोचते हैं। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार आप अपना जवाब पूरा कर लें। मैं इनकी बात, ये इन्होंने एक दो बयान करवाए, क्या इससे बड़े शर्मनाक बयान हो सकता है? मौत के सौदागर कहना एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, और इनकी सोनिया गांधी जो है, जो सबसे बड़ी वरिष्ठ नेता थी उस टाइम की, और वो बोलती है मुख्यमंत्री के लिए मौत का सौदागर। तो अगर बयानों पे जाएंगे तो सारी डिबेट ही बयानों पे चली जाएगी। मैंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, 1000 बयान मैं उनके दिखा दूं, किस तरह से देश को कमजोर करने का काम किया उन्होंने, किस तरह से देश के बारे में झूठी बातें की हैं, किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग इनके उसमें घुस गई है, किस तरह से राहुल गांधी जी जेएनयू में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देते हैं, तो छोड़ दीजिए हमारी सेना को किस तरह से कमजोर करने का ये काम करते हैं। तो आप इस तरफ ना जाए तो ज्यादा ठीक है। ये तो ये देखें, अब मणिपुर की बातें करते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जब संसद में बहस हुई थी आप 5 मिनट मुश्किल से बोले हो और संसद छोड़ के भाग गए आप। अब मणिपुर की बातें करते हैं, आपके मुंह से शर्म, आपको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली वहां पे। हमने वहां इतने घंटे बहस कराई संसद के अंदर, आपको किसने रोका था? आप अपनी बात रखते, हमने बात रखी वहां, सरकार ने बात रखी, हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी 3 दिन कैंपों में रहे वहां मणिपुर के अंदर। मणिपुर की क्या ये जो इस तरह की जो ये वारदातें हुई है और जो अशांति वहां है, ये पहली बार है क्या? ये कांग्रेस की देन है, ये दशकों से वहां ये समस्या चली आ रही है, वहां समय समय पर ये होती रहती है। हमने पूर्वोत्तर के अंदर 71% अपसपा हटाने का काम किया है, शांति लाने का काम किया। ठीक है, आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किया है ये बात अलग है, लेकिन ये कह देना कि बयानों पर अगर चर्चा करें तो बयान बहुत सारे हैं, लेकिन आप राजनेता हैं, आपकी जो बातें हैं वो लोग उन्हें आइडल मानते हैं लोगों को, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सोच समझ कर तो बोलना चाहिए? बयान ऐसा हो जो लोगों को उत्साहित करे, ऐसा नहीं कि उन्हें डिमोटिवेट कर दिया जाए उनके रंग के आधार पर। ये रंग, जाति, नस्ल, ये सब किसी के हाथ में नहीं होती हैं, और उस पर फिर इस तरह की टिप्पणियां करना। पूजा जी क्या कहेंगी? देखिए चौतरफा घेरा तो जा रहा है आपकी पार्टी को, आप ये कह के तो नहीं बच सकते हैं कि नहीं सैम पित्रोदा के बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, माफी मांग लिया या ये सब? कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर दिया और हम कह रहे हैं ये नस्ल भेदी टिप्पणी है और ये देश को, देश की अखंडता को विभाजित करने का प्रयास है और हम इससे बिल्कुल ही। पर क्यों हो रहा है? मुद्दा ये है ना, सैम पित्रोदा पर फिर एक्शन लेकर कांग्रेस ही क्यों नहीं दिखा रही है कि ठीक है हम इस बयान से किनारा करते हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं 84 के दंगे को लेकर कि हो गया तो हो गया। ऐसे ऐसे बयान अगर सैम पित्रोदा बार बार देंगे तो नहीं लगता कि पार्टी की फजीहत होगी और ऐसे व्यक्ति पर फिर एक्शन लेना ही ठीक है जिस पर बार बार आपको आकर जवाब देना पड़े? पूजा जी आरोप लगाओ अपनी बात का और भाग जाओ, कब तक चलेगा? देश आपसे पूछना चाहता है, आप देश को अपमानित करो और भाग जाओ, और सिर्फ ये कह के उनका निजी बयान है और आप छूट जाओगे क्या? देश माफ कर देगा आपको? ये देश सब कुछ देखता है। तो बेटे के खिलाफ FIR हुई थी, जेल गया था आपके जी, आप उनको पार्टी से बाहर करके दिखा दो, FIR तो बड़ी दूर थी, दिखाइए आपने क्या कार्रवाई की है। कानून अपना काम कर रहा है, मामला सब जुडिशियल कोर्ट के अंदर, आप कोर्ट के मामले में दखलंदाजी करोगे क्या? आप उनको बताइए कोर्ट के मामले में दखलंदाजी करोगे? जब कोर्ट में सब जुडिशियल मामला जेल के अंदर जो बंदा गया हो जिसके खिलाफ IPC के तहत विचार केस चल रहा हो उससे मुकाबला करते हैं, के खिलाफ कराइए FIR। विजय जी एक मिनट रुक जाइए। पूजा जी इतना जवाब देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? एक बार कह दीजिए कि ठीक है एक्शन ले लेगी पार्टी, हटा देंगे पार्टी से। बताइए पार्टी ने उसका खंडन करने में कितना, खंडन करना अपनी जगह है, आप खंडन करने की बात कर रहे हैं, आप खंडन की बात कर रहे हैं, मैं एक्शन की बात कर रही हूँ। पार्टी एक्शन कब लेगी? देखिए आपने इसी डिबेट में ये बोला कि सैम पित्रोदा पर एक्शन होगा, नौकरी चली जाएगी सैम पित्रोदा पर एक्शन, चारुल शाम को बेरोजगार हो जाएगी मेरी बहन, बेरोजगार मत करो किसी को, राधिका भी बेरोजगार होकर बीजेपी में आ गई, हम नहीं चाहते।
राधिका खेड़ा के रूम में तीन लोग जाते हैं, ये महिला अपमान है कि नहीं बताया जरा। एक महिला रो करके प्रभारी से शिकायत कर रही है, राहुल गांधी जी से शिकायत कर रही है, ये है कि नहीं ये बताइए ना। महिला पे चर्चा करते हैं, श्रीनिवासन आपका असम की एक बहन के साथ छेड़खानी करता है तो ये महिला के साथ अपमान है कि नहीं? अरे अपमान की बातें ना करें, अपमान की बातें करेंगे तो मैं अमेठी वाली भी बिटिया को ले आऊंगा तो अपमान में बहुत दूर चले जाएंगे, उतना दूर नहीं जाते आप। नहीं नहीं, कहानियां नहीं बना रहे आप, बोलिए सैम पे तो सैम जी पे एक्शन हो जाएगा। अरे एक्शन छोड़िए, बेरोजगार हो जाएंगी, शाम तक बेरोजगार हो जाएंगी और मुझे लगेगा कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, अगल बगल होके हम डिबेट कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बेरोजगार हो, मैं चाहता हूँ वो वही रहे। संजय जी, डॉक्टर पूजा यहाँ संजय जी सवाल कर रहे हैं आपसे, महिलाओं पर हुए अत्याचार की आप मुस्कुरा कर जवाब दे रही हैं, ये कांग्रेस का स्टैंड? महिला अत्याचार की बात पर आप मुस्कुरा रही हैं, ये स्टैंड है क्या आपका? शर्मनाक है। मैं विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं लग रहे हैं, आपके नेताओं पर भी आरोप लगे हैं नस्लीय टिप्पणी करने के। उस पर आपका जो जवाब था, आपने कह दिया था कि नहीं सैम पित्रोदा बड़े लेवल पर है, ये क्यों नहीं है? पार्टी का नेता कोई भी स्तर पर हो, बयान तो बयान। मैंने ये कभी नहीं किया, ना मैंने बचाव किया, ना हम इन चीजों के समर्थन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि साध्वी जो हमारी प्रज्ञा थी, कैसे हमने टिकट काटी और कैसे हमने संसद के अंदर बोला कि हम चीजों का समर्थन भी नहीं करते और हमने एक्शन लिया, उनकी टिकट काट दी, तो हम तो एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, सैम पित्रोदा जी ने जो विरासत टैक्स की बात की थी, अब राहुल गांधी जी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे, वो आ रहे हैं वहीं धीरे 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 धीरे। जो वो बोलते हैं वही राहुल गांधी जी करेंगे। आपने देखा होगा जितनी बात जी कहते हैं उतनी बातों पे वो चलते हैं, क्योंकि आपने राहुल गांधी जी का आपने देखा होगा किस तरह से सोच है उन्हें इस देश के बारे में कुछ नहीं पता।
वो देश के बारे में कुछ जानते नहीं है, वो तो युवराज है, वो तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, उसके देश की माटी को क्या जाने, गरीब की आदिवासी की महिला सवाल है जी, आपका परमिशन हो, ये विरासत टैक्स की बात करते हैं, वो तो राहुल गांधी जी आपने देखा होगा कैसे बोला था कि गरीबी जो है वो एक दिमागी सोच है, भाजपा के नेता उस समय के कैसे गरीबों का मजाक उड़ाया ने किया था, इनका तो जो शीर्ष नेतृत्व है ना ऋषि जी, मुझे लगता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे वरिष्ठ कहीं से नहीं लगते, जिस तरह से आप अपना पक्ष रख रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि दो दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठाए हुए हैं, आपने कहीं से भी किसी तरह से भी निष्पक्ष बात करने की कोशिश की, जब कैसे चलेगा विजय जी ऋषि जी एक साथ आप लोग बोलेंगे तो कहने के बजाय एक्शन होना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, आप किस तरह से कांग्रेस को बचाने में लगे हुए, ये शर्म आनी चाहिए, ये दिन आज इसका नहीं है। मैं एक बार ऋषि जी का रिएक्शन ले लूं, फिर संजय जी आपसे एक सवाल करूंगी, ऋषि जी आप विजय जी लौटूंगी आपने वही बातें दोबारा से दोहरा दी, इसलिए ऋषि जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, ऋषि जी बोलिए। मेरा सवाल दो सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, एक तो विरासत टैक्स को लेकर है कि जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री रहते हुए विरासत टैक्स का उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में विरासत टैक्स लगना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, निर्मला सीतारमन के जो पति हैं प्रकला प्रभाकर, उन्होंने कहा कि 2024 में यदि बीजेपी चुनाव जीत के आ जाती है तो 2029 में चुनाव होंगे ही नहीं, यानी लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, ये दो सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ता से हमें चाहिए। जी जी मैं देता हूँ, मैं लूंगी, नहीं सर आपस में सवाल मत करें, मैं आपसे सवाल ले लूंगी, संजय जी ये सैम पित्रोदा, मैं लूंगी जवाब लूंगी। सैम पित्रोदा एक बार तो नस्लीय टिप्पणी तो वो कर ही चुके हैं, इससे पहले 84 के दंगे को लेकर भी वो कह चुके हैं, जो हुआ वो हुआ, और इससे पहले विरासत टैक्स भी आपको याद होगा। जी देखिए, विरासत टैक्स पे कांग्रेस पार्टी हमारे मित्र जो ऋषि जी बार बार जोर पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि विरासत टैक्स तो सिन्हा जी ने किया था, सिन्हा जी ने उसका समर्थन किया था। अरे मान्यवर आप तो पत्रकार हैं, मित्र भी हमारे हैं, क्षमा कर दीजिएगा, 1953 में नेहरू जी थे, ना संजय राणा था, ना ऋषि थे, ना ही मोदी जी थे, तो भैया नेहरू जी ने क्यों लगा दिया था, और अधिकतम सीमा 85% थी, भैया काहे के लिए, सब आप ही ले लोगे क्या, देश की जनता झुंझुना हिलाएगी, अब हटा कब 1985 में, क्यों हटा था उसका कारण बताएंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, फिर बोलोगे गड़बड़ हो गया, टीवी डिबेट में गड़बड़ा दिया हमें, तो फिर तो भैया ऐसा है, विरासत टैक्स आज से नहीं है, 1953 में चाचा जी लगा गए थे और उनके पोता जी फिर हटाए, तो समस्या ये है कि आप ही लोग गोल गोल घुमाते हो और गोली में खुद फंस जाते हो, तो धरती गोल है, बीच में एक होल है, उसमें आप गिर जाते हो, ये आप चीज को समझने की जरूरत है, इसलिए विरासत टैक्स पे हम चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी अब मैं जवाब दे रहा हूँ, ऋषि जी मैं बताता हूँ, ऋषि जी बता, आपने क्वेश्चन पूछा था कि 2024 के बाद में इलेक्शन नहीं होंगे, आप अपने अखिलेश यादव जो है आपके हिंदी के पतन के बड़े अच्छे सहयोगी हैं, पत्रकार होने के नाते जिज्ञासा है, नहीं तो मैं चलो आप पत्रकार लेना चाहते हो, निष्पक्ष लेना चाहते हो, आप तो है नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप अपनी जानकारी के लिए सुन लीजिए, आप अपनी जानकारी के लिए सुन लीजिए 2022 के इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन था यूपी का, अखिलेश यादव ने बोला था ये लास्ट इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीत गई तो इसके बाद में देश में इलेक्शन नहीं होंगे, आप मुझे बताइए देश 2022 के बाद में कितने इलेक्शन हुए हैं, आप हर बार ऐसी झूठी बातें अनर्गल बातें करते हो। मैं एक बार एक छोटा सा रिएक्शन संजय जी से ले लूं, संजय जी छोटा सा रिएक्शन देखिए, बार बार आप बोलते हैं इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, देखिए नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, 1952 में इलेक्शन हुआ तो उसके पहले तो सिलेक्टेड थे, उस 1951 में एक्ट बना दिया था और कितने बार बदला था, अमेंडमेंट किया था 17 बार, उनकी पुत्री ने कितने बार किया था 32 बार, टोटल 84 बार, तो कानून को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाली पार्टी आपकी है, तो आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, चुनाव चाहते थे कि नहीं चाहते थे, 1975 में क्या हुआ था पता है, आप पत्रकार है, आप ही को उठा के अंदर कर दिया गया था, किसी और को नहीं किया गया था। जाएंगे तो बहुत सी पार्टियों के काले कारनामे खुलकर वापस आ जाएंगे और जनता के सामने आ जाएंगे और चुनाव का मुद्दा पूरी तरह से बदल जाएगा। फिलहाल वक्त की कमी है ऋषि जी, संजय जी, विजय जी, पूजा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।